नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी आदित्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर भटकते हुए हमारे चैनल तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम बिना वाटरमार्क के वीगो वीडियो को अपनी फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन का यूज किए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, वीगो वीडियो को विदाउट वाटरमार्क अपनी गैलरी में सेव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना वीगो ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फुल वीडियो वॉच कर लेना है 15 सेकंड का, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो होता है सिर्फ 15 सेकंड तक का ही होता है, तो वो वीडियो आपको फुल वॉच कर लेना है। जब आप उस वीडियो को फुल वॉच कर ले तो आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आए और अपने मोबाइल का फाइल मैनेजर ओपन करें। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद अपने फ़ोन स्टोरेज में जाएं और फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद आपको एक एंड्रॉयड नाम का एप्लीकेशन दिखेगा जो कि सभी के एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। तो दोस्तों, आपको उस एप्लीकेशन उस आप फोल्डर को ओपन कर लेना है। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको नया फोल्डर दिखेगा डेटा नाम का, सिंपली आपको उस ऐप फोल्डर को ओपन करना है। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर दिखेगा जिसका नाम होगा लास्ट में डॉट बूम करके, तो यहाँ पे आपको वो फोल्डर जो है फाइंड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट बूम करके एक फोल्डर मिल चुका है हमें। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा नया फोल्डर कैसे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में सबसे लास्ट में एक फोल्डर दिखेगा वीडियो कैसे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा जो कि आप इसे प्ले करेंगे तो ये प्ले नहीं होगा, तो इसको आपको रीनेम करना होगा। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद रीनेम पे क्लिक कीजिए और इस पे लास्ट में जो है इसका नाम जो है डॉट MP4 कर दीजिए। जैसे आप इस पे इतना कर देंगे उसके बाद आपको ओके पे टैप करना है, उसके बाद ये वीडियो बन जाएगा। उसके बाद जब आप इसे प्ले करेंगे तो देख सकते हैं ये वीडियो जो है आ गई है वीगो वीडियो की, वो भी इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो हम आपको दूसरा दिखा करके दिखाते हैं। जैसे ये वीडियो है तो इसमें आप जो है कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कीजिए और इसका रीनेम कर दीजिए, और रीनेम में करने के बाद आपको लास्ट में सिर्फ डॉट MP4 लगाना है, और डॉट MP4 लगाने के बाद आप इसे बड़ी आसानी से प्ले कर सकते हैं और इसमें कोई वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से वीगो वीडियो को अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं विदाउट एनी वाटरमार्क। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।